नहीं पाएंगे, लेकिन एक छोटा सूक्ष्म जीव भी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि में क्रांति लाएगा। वॉयेजर की यात्रा पथ में बृहस्पति अभी पहला ही ग्रह था। सौर मंडल के सभी बाहरी ग्रहों की सीधी रेखा में होने की दुर्लभ स्थिति, जिससे वॉयेजर्स की आगे की यात्रा सार्थक हो पाई। उनका अगला गंतव्य था रहस्यमय सुंदर ग्रह, जिसने सदियों से खगोलविदों को प्रेरित किया। ये अब केवल कुछ करोड़ किलोमीटर दूर था। इस दूरी को तय करने में 1 साल 8 महीने का समय लगा। नवंबर 1980 के एक दिन वॉयेजर 1 सुंदर वलयाकार ग्रह शनि के करीब आया। उस यात्रा का हर दिन नई अंतर्दृष्टि लेकर आया। नजदीक से अब वैज्ञानिक देख सकते थे कि शनि के चारों ओर के विशालकाय वलय वास्तव में हजारों छोटे छल्ले थे। चमकते सुंदर छल्ले ज्यादातर पानी से बने थे। विशाल ग्रह को घेरने वाले अरबों बर्फ के टुकड़े थे, छोटे कण से लेकर मुट्ठी के आकार के टुकड़े, कुछ एक घरों जितने बड़े भी थे। शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर वॉयेजर 1 ने एक सुंदर झील की खोज की। पृथ्वी के अलावा ये सौर मंडल में एकमात्र स्थान है जहां सतह पर तरल झील पाए गए। लेकिन एक दिक्कत है, टाइटन की झीलें तरल मीथेन है, पानी नहीं। सघन वातावरण वाला एकमात्र उपग्रह है टाइटन। इतना सघन कि टाइटन पर दोपहर हमें सांझ के समान लगेगी। वॉयेजर 1 का सौर मंडल के अंदर की यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा टाइटन। इस खूबसूरत उपग्रह के भ्रमण के बाद यान को एक ऐसा प्रक्षेपण पथ मिला जो इसे ग्रहों के तल से पूरी तरह से बाहर निकाल देगा। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की मदद से वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की शून्यता की ओर बढ़ गया। वॉयेजर 2 ने उसका अनुसरण नहीं किया। हमारे अपने सौर मंडल में घूमने के लिए और भी स्थान थे। ये यान अगस्त 1981 में शनि के पास पहुंचा, इसके जुड़वा हम सफर के 9 महीने बाद। वॉयेजर 2 ने पाया कि एनसेलेडस अपेक्षाकृत युवा है, केवल कुछ 100 करोड़ वर्ष पुराना। ये सौर मंडल में बहुत ही नया है। इसकी युवावस्था ने इसे एक विविध और आकर्षक परिदृश्य दिया है। वहां कहीं गड्ढों से भरे हुए क्षेत्र हैं, तो कहीं समतल सतह पर उभरी हुई धारियां और गांठे हैं। वहां कई खड़ी चट्टाने हैं, लंबी खाइयां और दरारें भी हैं। एनसेलेडस एक गेंद जैसा है जिसके बीच में एक बड़ी चट्टान है और ऊपर बर्फ की पपड़ी की परत। इसकी बर्फ जैसी सफेद सतह सौर मंडल में किसी भी अन्य खगोलीय पिंड की तुलना में सूर्य का अधिक प्रकाश परावर्तित करती है।